तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माइनक्राफ्ट। तो गाइस, लास्ट एपिसोड में हम लोग ने ये कंप्लीट कर दिया, हम लोग का विलेज ट्रेडिंग हॉल। और ये चिकन क्या कर रहा है? तू इसे मर जा, नहीं चाहिए तरह चीज़ें मुझे। तो गाइस, उसके बाद मैंने ये जगह थोड़ा सा मतलब ठीक कर दिया जगह, जैसे कि देख सकते हो। तो पूरा मैंने चेंज कर दिया, ग्रास लगा के इस साइड भी चेंज कर दिया, इसको मैंने चेंज कर दिया, इसको भी चेंज कर दिया। और जैसे कि देख सकते हो, इतना तक मैंने कर दिया है चारों तरफ ग्रास लगा के। और इस जगह हम लोग बनाएंगे अपना स्टोरेज सिस्टम। पर सबसे पहले आप लोगों को दिखा देता हूँ कैसे बनाए। तो विलेज ट्रेडिंग हॉल, इस जगह मैंने ऐसे होल करके रखा है तो इजी हो जाए इधर से इधर से जाने के लिए। और ये डेकोरेशन मैंने इस जगह कर दिया है, क्या मस्त लग रहा है। और ऊपर ऐसे ऐसे लाइट्स, तो अच्छा लग रहा है गाइस वो लाइट्स। उसका देख सकते हो, पूरा मैंने विलेज से भर दिया है। और सबके पास अच्छा अच्छा चीज़ें, मेंडिंग, एफिशिएंसी, मेरे पास सब है। एक भी ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को नहीं है, मेरे पास सब इंचार्मेंट है। तो ऐसे ऐसे लगाऊंगा, अभी नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। पर ये सब में बिजी था क्योंकि, तो बाद में करते हैं यार, मैं शॉवल रखता हूँ। और मेंडिंग है तो गाइस इसलिए इजी होता है, नहीं तो बहुत हार्ड हो जाता। पर गाइस, मैंने सोचा था कि इस जगह जो हम लोग बनाएंगे स्टोरेज एरिया, तो मैंने सोचा था कि इधर बनाते हैं इस जगह। पर उसके बाद सोचा कि एकदम बीच में हो जाएगा, तो इससे अच्छा मैं इधर ही बनाता हूँ, इस जगह दूसरा कुछ बनाएंगे। और ये मेरे को तोड़ना पड़ेगा। उसके बाद इस जगह जैसे देख पा रहा हूँ, भाई साहब मस्त है। इस जगह भी ठीक करना है मुझे, पर ऐसे ऐसे करेंगे। और ये शुगर केन फार्म और एक बनाना है मुझे, तो इसको मैं सोच रहा हूँ कि इस साइड बनाएंगे, इधर साइड के। तो इधर से एक रास्ता जा पाएगा, इधर से ऐसे करके, ऐसे रास्ते आके ऐसे करके जा सकता हूँ उन लोग, तो ये बहुत अच्छा होगा। पर गाइस, आज हम लोग जो बनाएंगे, हम लोग स्टोरेज एरिया। तो स्टोरेज एरिया बनाने के लिए पहले हम लोग को चाहिए वाइट कॉन्क्रीट, और भी बहुत सारा चाहिए होगा। खाना मैं ऊपर रखता हूँ, खाना भी चाहिए नहीं। तो जैसे ही गैस देखते, तो मैंने मार्किंग कंप्लीट करके रखा है और गलत दबा दिया था अभी। तो इस जगह तोड़ के हम लोग इस जगह लगाएंगे ऐसे करके। और गैस ये जाइगेंटिक बनने वाला है मेनली, तो क्या बताऊँ मैं, एक दो तीन, उसके बाद वन वन। और गैस अगर आप भी ऐसे चाहते कि आप लोग इतना ग्रीन करना है और मशरूम बायोम में, तो मेनली टिक ऑफ कर लेना, आपको कमांड ऑनलाइन मिल जाएगा कैसे करके टिक ऑफ करते हैं। मतलब कम ऑफ नहीं बोल सकते, कम कर सकते, वन कर देना टिक, तो इजी हो जाएगा। तो गाइस वन कर दो, टिक करोगे तो ये ग्रासेस और ये सब कुछ स्प्रेड नहीं होगा। तो आप लोग पहले चारों तरफ पहले ग्रासेस लगा के बीच का पूरा खाली करके, तो ज़्यादा आपको ग्रास माइन नहीं करना पड़ेगा बाहर जाके। एक बार में उसके बाद टिक बढ़ा देना, 30, 40, 50, 60, 80, जितना मर्जी टिक बढ़ा दो, ये पूरा जल्दी से हो जाएगा ग्रीन। ये बहुत ईजी टेक्निक है, थोड़ा सा चीटिंग टाइप हो जाता है, पर कोई नहीं तो बहुत टाइम लगेगा, उतना मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि वन ब्लॉक में तो इतना खतरनाक बना रहा हूँ मैं। और वो इधर भी बनाना पड़ेगा मुझे क्योंकि मुझे चाहिए। तो गोल्ड मिल गया तो हम लोग गोल्डन कैरेट बना सकते हैं ना, गोल्डन कैरेट से फ़ायदा है बहुत। तो फालतू खाने का टेंशन नहीं लाना पड़ेगा, उसका हंगर बहुत ज़्यादा है। तो कहीं ये कंप्लीट हो चुका है, जिससे इतना जाइगेंटिक है, कितना बड़ा बन रहा है। पर मैं ये चारों तरफ पहले डबल लगाते, एकदम उसके जैसा बनाएंगे, इसके जैसा नीचे का। तो मैं ये कंप्लीट कर लेता हूँ। और कितना लग रहा है, इतना सारा था, अभी तक इतना सारा खत्म हो चुका है। तो ये जल्दी कंप्लीट करते हैं ये सब। तो गाइस उसके जैसा फिर से हम लोग इस साइड भी लगाएंगे ऐसे करके मैं चारों तरफ लगा लेता हूँ जल्दी से। तो गाइस ये भी हो चुका है, अभी इसके ऊपर फिर से उसके जैसा बनाना है, ये चीज़ ऊपर बनाते हैं जल्दी से। गाइस कंप्लीट करता हूँ मैं। तो गाइस डन, ये भी डन हो चुका है। एक जगह मेरे को घुसने के लिए रास्ता बनाना चाहिए, इस साइड बना देते हैं। तो गाइस पहले मैं ये सब रख लेता हूँ, अपना इन्वेंट्री क्लियर करते हैं। तो गाइस अभी हम लोग स्टेयर लेंगे, उसके बाद हम लोग चीजल वाला लेते हैं, क्वार्ट्ज लेते हैं। चीजल क्वार्ट्ज हम लोग लेंगे नहीं, हम लोग क्वार्ट्ज ब्लॉक चाहिए। इसको मेरे को स्लैब बनाना पड़ेगा, क्राफ्टिंग टेबल कहाँ है, ये रहा स्लैब बनाओ, बहुत सारा स्लैब चाहिए मुझे। उसके बाद लाइट चाहिए मुझे, ये रहा, इसको भी निकालो, ये। इसके बाद हम लोग को चाहिए ये चाहिए, और ग्लास चाहिए, ग्लास मेनली, फाइनली ग्लास चाहिए हम लोग, क्लियर ग्लास, अधिक डन है। तो कहते अभी स्टोरेज सिस्टम बनाते जो हम लोग को बनाना था। पहले नीचे का ग्रास तोड़ेंगे, यार कुछ ज़्यादा ही टूट रहा है, यानी कि इधर बने देते हैं अभी के लिए। ये मैंने सिल्टेज वाला उठाया नहीं यार, क्या लड़ेंगे ये, पर कोई नहीं। पहले ये लगाते हैं तीन ब्लॉक, देन ऐसे, उसके बाद इसके ऊपर जो लगाते हैं नेदरबोर्ड, और ये डन। और इसको मैं लगा के हटा के ये लगा देता हूँ, परफेक्ट है। ये चाहिए दो चेस्ट, उसके बाद और दो चेस्ट, डन। डर्ट परफेक्ट है ब्रो, परफेक्ट, नॉट बैड।
अब इसके सामने हम लोग ऐसे नहीं, ये नहीं जाएगा। अब ऐसे 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 नाइस, इसके बाद ऐसे ऐसे एकदम परफेक्ट है गाइस। उसके बाद हम लोग स्टेयर लेंगे, स्टेयर लेंगे, इसको लगाते हैं चारों तरफ ऐसे परफेक्ट और ऐसे। तो कैसे अभी मैं टेढ़ा मेरा लगाता रहता हूँ, बस हो जाएगा। पहले इतना तक कर लेते हैं, उसके बाद मैं करता हूँ। तो अभी चेस्ट लेते हैं, चेस्ट को लगाओ ऐसे करके। अभी यार ये गलत क्यों लग गया? अब ओ मैं पिक एक्स लाना भूल गया, एक्स लेके आता हूँ। अब सही नहीं, कितना फास्ट है यार, क्या मैं लल्लू करता रहता हूँ। परफेक्ट, ऐसे करके मैं बस लगाते रहता हूँ। तो कैसे मैं ये छोटा जगह भर लेता हूँ, उसके बाद मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। तो कैसे जैसे देख सकते हो ये बन चुका है, एकदम परफेक्ट है। अब इसके ऊपर भी हम लोग लगाएंगे सेम नीचे जैसे जैसा है, ऐसे करके डन। क्या बात है, मस्त लग रहा है। तो अभी मैं जो है दिखाता हूँ आप लोगों को क्या करना है। मेरे को रोड तो बनाना है, नहीं तो ऐसे ही ग्रास के ऊपर से जाएंगे कि हम लोग कॉलेज से। और रोड एकदम उसके जैसे बनानी चाहिए, पाथवे जो रहेगा, नहीं तो अलग अलग लगेगा दोनों। चलो टेराकोटा पेपर लगा लेता हूँ, टेराकोटा ऐसे साइड साइड में लगाते हैं। तो क्योंकि जैसे कि ये दोनों लग चुका है, अब मैं क्या करता हूँ इसको नीचे को तोड़ते एक ब्लॉक। तो कैसे अभी ग्लो स्टोन लगाएंगे इसके ऊपर, चारों तरफ लगाते ग्लो स्टोन, लग जा और ये डन। क्या बात है, अब मैं ग्लो स्टोन हटा के अपन लोग ग्लास लेते, क्लियर ग्लास इसको लगाएंगे। और लोग सिलते तो है ही, टेंशन नहीं है अगर ख़राब कर दिए तो, एकदम परफेक्ट है गाइस। जैसे कि देख सकते हो मस्त लग रहा है। और इसके ऊपर जैसे कि बताया था आपको, अब इसके ऊपर लगाते हैं हम लोग स्लैब। अगर कुछ ब्लॉक लगा देंगे तो ये खुलेगा नहीं, इससे हम लोग स्लैब ही लगाना पड़ेगा। नाइस, नॉट बैड नॉट बैड, क्या लग रहा है, मस्त लग रहा है। जैसे कि देख सकते हो गाइस एकदम मस्त लग रहा है, डन गाइस एकदम डन। क्या बात है, तो ये सही में मस्त लग रहा है देखने में, एकदम परफेक्ट है इस साइड भी। तो गाइस और ये चारों तरफ होगा, ये बीच वाले को छोड़ के, बीच वाले में कुछ नहीं होगा। मेरे को नहीं लगता कि मैं विजन देने वाला हूँ, क्योंकि ऊपर भी कुछ लेवल होने वाला है। पहले मैं सो लेता हूँ। तो कि जैसे कि मैं बता रहा था बीच बीच में, इसलिए हम लोग करेंगे नहीं, क्योंकि इधर स्टेयर उठेगा दूसरे लेवल में, क्योंकि एक इतने सारे छोटे मतलब छोटे 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 आई थिंक टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 तो ऐसा में नहीं होने वाला है, एक दो तो एक ही ले लेगा। अगर हम लोग आइटम लगा देंगे कौन सा चीज़ कौन सी चीज़ है, पर इतने कम में से नहीं होने वाला है, तो हम लोग को कुछ और कुछ करना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग सेकंड फ्लोर जब बनाएंगे उसके बाद मैं देख करूँगा कि और थर्ड फ्लोर डालना चाहिए कि नहीं, वो बाद में। तो गाइस मैं सोच रहा हूँ कि आज हम लोग टाइम लैप्स दिखाता हूँ आप लोगों को कैसे मैं करता हूँ, तो मैं टोटल कंप्लीट करता हूँ गाइस, आप लोगों को टाइम लैप्स मिलेगा। और गाइस टाइम लैप्स स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन, अब भूलना मत। और कमेंट में लिखना है कि आपको पसंद आएगा टाइम लैप्स मैं फिर से करूँ या ना करूँ। ओके गाइस मैं स्टार्ट करता हूँ, मिलते हैं टाइम लैप्स के बाद। तो गैस आई एम बैक। तो गैस जैसे देखते हो चारों तरफ हो चुका है, और मुझे लगता नहीं कि मैं टाइम लैप्स में चारों दे पाऊंगा, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, पूरा आधा तो वीडियो यही खा लेगा। तो इससे मैंने सोचा कि यार नहीं, एक दो मैं लगता है हाईएस्ट एक दो दूंगा ये कंप्लीट और ये वाला, पर देखते मेरे को याद नहीं है, देखते एडिटिंग का टाइम क्या देता है। एडिटिंग से पहले बोल रहा हूँ ये गैस। तो गैस पहले ये कंप्लीट करता हूँ मैं, क्योंकि इस जगह से कनेक्ट करना है, जल्दी से कनेक्ट कर देते हैं हम लोग। परफेक्ट, इस जगह भी तोड़ना है और आई थिंक इधर भी तोड़ना पड़ेगा इस जगह। और नाइस, खासा हार्ड नहीं है, पर हम लोग को काम बहुत है इसमें। और अभी तो बस वन पार्ट, आई थिंक वन थर्ड हो चुका है, तो बहुत बाकी है, बहुत कुछ करना। तो पहले मैं ये लगाता हूँ उसके ऊपर। यार ये कौन लगाएगा, दिमाग खराब गधा हूँ मैं।
तो पहले मैं एक ग्लास लगा लेता हूँ, उसके बाद रोड। ये भी अब भी डबल क्लिक कैसे हो गया? ओ माय गॉड, क्या लैग हुआ था बीच में। तो अब ऐसे करके हम लोग नीचे जाता हूँ मैं, परफेक्ट स्लैब स्टेयर आई मीन, और मैंने स्टेयर गलत लगा दिया। वाह नाइस। तो गाइस मैंने बहुत अच्छा काम कर दिया है, तो सारे स्टेयर जो है मैं उल्टा लगा दिया हूँ गधे ऐसा काम करके। और गाइस रियलाइज़ भी कब हुआ, पूरा ख़त्म होने के बाद। उससे पहले थोड़ा सा होता तो कितना मस्त होता, पर अभी मेरे को पूरा चेंज करना पड़ेगा। तो गाइस मैं ये चारों तरफ चेंज करके आता हूँ, और चेंज करने से पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ ये कम्प्लीट कैसे करते हैं। ये कम्प्लीट करके उसके बाद मैं चेंज करने जाता हूँ। परफेक्ट इस जगह भी हो गया, जैसे गैस देख सकते हो चुका है परफेक्ट। और इस जगह एक रोड बनेगा, बाद में मैं इसको तोड़ वोड़ के इसको रोड के साथ कनेक्ट कर दूंगा जो इधर से आएगा। और पहले मैं गैस पूरा चेंज करता हूँ, यार मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। तो गैस जैसे देख सकते हो डन हो चुका है। अबे मैं ये क्या अटक कैसे गया था, कोई ना। तो पहले मैं ये लेता हूँ, उसके बाद मेरा वाइट कॉन्क्रीट। ये सब क्या है, स्टोन है, इतना सारा स्टोन क्यों है, जो भी हो। और इसके अंदर और एक सर्कल बनाएंगे, मैं बनाता हूँ और एक सर्कल का। सेंटर कहाँ है, ये रहा सेंटर। एक काम करता हूँ, इसको मैं जल्दी से ये कर देता हूँ तो सेंटर पता चल जाए कहाँ पे है। तो ये रहा सेंटर, तीन ब्लॉक करके छोड़ना है मुझे। इसके ऊपर ये लगाते हैं। अभी इस जगह तीन है, उस जगह तीन क्यों नहीं है, तभी मैं सोचूँ ये गलत है। कनेक्शन कम्प्लीट, परफेक्ट। इसको रखो इधर इधर, इसका दो दो, ऐसे ऐसे ऐसे, थिंक डन। परफेक्ट परफेक्ट, नॉट बैड। तो इसके ऊपर एक रोड बनाना है मेरे को, बाद में बनाऊंगा। पर ऐसे करके सेम करके मैं इस जगह भी ऐसे लगाऊंगा ये वाला, और ये बहुत लगने वाला है स्टेयर काम में आई मीन। तो इसको मैं लगाता हूँ इसके ऊपर ऐसे। अबे यार, और मशरूम भाई भी बना रहे बहुत अच्छा, इसलिए बॉब का टेंशन नहीं है। उसका ऐसे 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 और ऐसे, डन। ओए होए, क्या लग रहा है। पीछे के बाद में मैं करता हूँ, इस साइड का डिज़ाइन मेरे को पता नहीं है, ये सब बाद में बना के मेरे को चेक करना पड़ेगा कि कैसे कैसे डिज़ाइन बना सकते हैं। पर अभी नहीं, ओ गलत है, नहीं वो तो सही है, ये सही था, मैं गलत कर दिया कि ये जगह और एक होने वाला है इस साइड। परफेक्ट डन, क्या बात है। तो कि ये इस जगह मैंने लगाया नहीं। तो कि ये होने के बाद मैं चारों तरफ ये बना लेता हूँ लंबा करके चारों तरफ, तो ऊपर से मस्त लगेगा। उसके बाद इलाइटर लेके आते हैं। तो कि जैसे देख सकते हो कम्प्लीट हो चुका है टोटली, क्या बात है, मस्त लग रहा है ऐसे भी। पर इस जगह रोड तो बनाना है, एक काम करता हूँ इस जगह। अब ये रोड टेढ़ा क्यों है, और मैंने गलत बना दिया था, कोई ना, मैं पहले जल्दी से फिक्स कर लेता हूँ इसको। इसका ऐसे, ये भी सही है, डन। तो ये रोड को मैं थोड़ा सा फिक्स कर लेते जल्दी से। मेरे पास शवल कहाँ है, तो चारों साइड बाद में करूँगा, अभी नहीं। मैं इलाइट्रा लेके आता हूँ जल्दी से, इलाइट्रा पहनता हूँ जल्दी से। मैं इलाइट्रा पहन लिया, अब चलते उठते ऊपर चले। ओ भाई साहब, क्या लग रहा है। तो गाइस ये मस्त लग रहा है, ये तो बस वन पोर्शन है, इसके ऊपर और बनेगा तो और अच्छा लगेगा देखने में। पर कैसे बताओ, मस्त लग रहा है ये, मैं तो एकदम प्रो हूँ इसमें। एक काम करता हूँ, मैं पहले जल्दी से इस इलाइट्रा को मैं बेंडिंग वेंडिंग लगा दूंगा जल्दी से। तो जैसे कि बता रहा था कि इलाइट्रा को मैं बेंडिंग वेंडिंग लगा दूंगा जल्दी से, पर उसके लिए मेरे को ट्रेडिंग करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट एपिसोड में इसका बीच वाले का करना है और उसके सेकेंड फ्लोर वाले का करना है, और मैंने उसका डिज़ाइन अभी तक सेट नहीं किया कैसे करके बनाना है, तो वो करना। ये जगह बच गया, इसको ठीक करना पड़ेगा, तो वो करेंगे अभी नहीं, वो नेक्स्ट एपिसोड में आई मीन। पहले यार मेरे को स्लैब दे, स्लैब कहाँ है। तो डन, तो जैसे कि बता रहा था वो नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे, पर अभी नहीं। और मुझे फाइनलाइज करना है, मेरे को खतरनाक बनाना है मेनली ये चीज़। तो ये तो टोटल हो चुका है, इसके ऊपर भी एक। मैं सोचा था पहले ऑटोमेटिक बनाएंगे, पर ऑटोमेटिकली बहुत जगह चाहिए, और मेनली ट्राइंगल रेक्टेंगल बन जाएगा, रेक्टेंगल स्क्वायर ऐसे टाइप का बनेगा बिल्डिंग। और मुझे ऐसा नहीं बनाना है, थोड़ा सा मेरे को सर्कल टाइप का बनाना था, एकदम हब जैसा लगे। तो और एक बीच में थोड़ा सा हम लोग बनाएंगे एलिवेटर से जो ऊपर जाएगा, नहीं तो साइड में भी दे सकता हूँ मैं, जो इन दोनों से आएगा, उसके बाद इसे ऊपर जाके उधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। नहीं तो ऊपर में बना, और एक काम कर सकते हो, ऊपर हम लोग बना सकते हैं ऑटोमेटेड वाला, पर चेक करना पड़ेगा ऑफलाइन में, बना के देखूंगा क्रिएटिव में कि बनता है कि नहीं। तो गाइस आई होप आप लोगों को पसंद आएगा आज का एपिसोड। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड, तब तक के लिए बाय बाय।